नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNB TV न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रहे, धरती पुत्र किसानों के लिए न्याय यात्रा निकालने जा रहे। उसका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व की सरकार और वर्तमान सरकार ने जो वादे किए हैं वो वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। किसान परेशान है, किसान के उपज का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है और इसके लिए किसान के साथ जो कांग्रेस पार्टी है वह खड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी न्याय यात्रा निकालेगी, किसानों को उनका हक मिले इसके लिए लगातार संघर्ष करेगी और 20 सितंबर को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक बड़ा आयोजन होगा। ट्रैक्टरों में किसान पहुंचेंगे संयुक्त कलेक्टर भवन और वहां पर ज्ञापन सौंपेंगे, किसानों के पक्ष में धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर भी इस प्रकार धरना प्रदर्शन किया जाएगा, ज्ञापन सौंपे जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के समक्ष सभी लोग एकत्रित होंगे और फिर सड़क मार्ग से होकर संयुक्त कलेक्टर भवन दमोह पहुंचेंगे। एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें अभिषेक गौर ने विस्तृत जानकारी दी आयोजन के प्रयोजन के संबंध में। दमोह जिला कांग्रेस कार्यालय में जो पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था, इस अवसर पर रतन चंद जैन कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वह मौजूद थे, उनके साथ मनु मिश्रा और साथ में कांग्रेस के विभिन्न पदाधिकारियों की उपस्थिति रहे। चूंकि आप सभी को विदित है 20 तारीख को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश में, जिले में, संभाग में, ब्लॉकों में किया जा रहा है किसान यात्रा के नाम से, इसको लेकर हमें भोपाल से निर्देश मिले थे कि आज जिलों में जाकर पूरे प्रदेश में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। यात्रा के बारे में जानकारी विस्तृत दी हम लोगों ने। कल माननीय जिलाध्यक्ष जी, रतन चंद जी, आदरणीय मनु चाचा जी, महिला कांग्रेस सेवा दल, सभी पदाधिकारियों के लोग मिलकर ट्रैक्टरों से इकट्ठे होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करेंगे। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे जैसे कि हमने आपको एक बताया है, किसानों के साथ जो इन्होंने छलावा किया था कि हम समर्थन मूल्य आपका बढ़ा के देंगे, वो नहीं दिया है। किसानों की के जो सोयाबीन आता है और ट्रैक्टरों के डीजल, उनके जो उपकरण हैं उन पर रेट बढ़ा के टैक्स लगा के सरकार जो इनको ठग रही है, उन सब चीज़ों को लेके है। हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने घोषणा की थी कि हम 2700 रुपये क्विंटल का सोयाबीन का धान का भाव बढ़ाकर लगभग 3400 रुपये करेंगे, वो नहीं किया उन्होंने। उनके घोषणा पत्र को ही लेकर हम भाजपा को घेर रहे हैं। लगातार कांग्रेस की सक्रियता बढ़ी है, अभी क्या कहा जाए, नज़दीक कोई चुनाव भी नहीं है, क्या फ़ायदा रहेगा इससे? क्योंकि राहुल गांधी जी ने युवाओं को मौका दिया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी बहुत युवा है और आप देख रहे हैं आपके सामने हमारे सीनियर नेता है और उनके सामने एक युवा को मौका सागर जिले में दमोह में आने का मिला है। ऐसे ही पूरे प्रदेश में जीतू पटवारी युवाओं को मौका दे रहे हैं और इसका रिजल्ट आपको बखूबी इस चुनाव में देखने के लिए मिलेगा। आपके ऊपर क्या जवाबदारी ली गई है? मैं संभाग का प्रभारी हूँ सागर जिले का, तो ये दमोह हो चाहे टीकमगढ़ हो चाहे पन्ना आता है, मुझे मीडिया की जवाबदारी दी गई है, मुझे पूरे संभाग की कवरेज की जवाबदारी दी गई है, इसके लिए मैं कल अपनी जवाबदारी बखूबी निभाऊंगा। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर इस प्रकार का आयोजन करने के लिए कांग्रेस योजना बनाकर आगे बढ़ रही है। लगातार कांग्रेस में उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी को तरह तरह से घेरने के लिए वह यत्न कर रही है और अब किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सड़कों पर आ रही है।